तो हेलो गाइस, क्या हालचाल? बढ़िया सब। तो गाइस हम दोपहर के लिए वाले यहाँ पे GTA 5। और गाइस काफी टाइम हो गया यार, अपन लोगों ने यार GTA 5 में कोई भी इंडियन गाड़ी को परचेस नहीं करा है। तो गाइस मैंने सोचा कि यार अपने पास में यार महिंद्रा की जो है भाई स्कॉर्पियो की जो गाड़ियाँ हैं उनका बहुत ही ज्यादा अच्छा कलेक्शन है, पर एक गाड़ी जो थी यार वो अपने से मिस हो रही थी और वो तुम्हारे भाई की सैडली वाली बात यह है कि अपने पास में यार वो कार नहीं थी। बट गाइस अब जो है तुम्हारे भाई के पास फाइनली बजट हो चुका है गाइस उस गाड़ी को परचेस करने का। तो गाइस आज हम यहाँ पे भाई गाड़ी जो परचेस करने वाले हैं वो होने वाले गाइस अपने महिंद्रा की स्कॉर्पियो X11 क्लासिक। हालांकि अपने पास में S10 भी है, S11 भी है, महिंद्रा के बिग डैडी SUV स्कॉर्पियो N भी है और ओल्ड वाली स्कॉर्पियो भी है, पर अपने पास में यार सैडली भाई क्लासिक नहीं थी। तो आज हम गाइस उस गाड़ी को परचेस करने वाले हैं और गाइस हम आ चुके हैं भाई यहाँ पे शोरूम पे, जो भाई साहब जो है भाई महिंद्रा की गाड़ियाँ मतलब लाइक लॉस सैंटोस सिटी के अंदर इम्पोर्ट कराते हैं। और देख सकते हो गाइस यहाँ पे इन भाई साहब के पास में जितनी भी स्कॉर्पियो थी सारी की सारी बिक गई, बस ये चार गाड़ियाँ ही जो है बाकी है। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे कलर यार जो है भाई मेरे को देखने को मिल रहे हैं भाई स्कॉर्पियो S11 क्लासिक के, एंड ब्लू वाला कलर भी यार गाइस बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। बट तुम्हारा भाई थोड़ा सा ना लाइक गैंगस्टर वाला बंदा है ना, मेरे को यार क्या होता है कि ज्यादातर जो गाड़ियों के कलर है वो ब्लैक कलर के ही पसंद लगते हैं और स्कॉर्पियो तो खास करके मेरे को ब्लैक कलर में अच्छी लगती है। तो गाइस मैंने यहाँ पे जो है ब्लैक वाली स्कॉर्पियो S11 क्लासिक है वो परचेज कर लिया है। एंड गाइस देख सकते हो भाई ये है अपनी गड्डे का लुक, एंड मैं ना एक बार आपको बढ़िया से जो है गाड़ी दिखाता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हो भाई ये है भाई अपनी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक, एंड यहाँ पे लिव यंग लाइफ फ्री का भी भाई उसे लाइक लगा हुआ है, मॉडिफिकेशन छोटी थी। एंड ये देख सकते हो गाइस अपनी ब्रांड S11 क्लासिक, और ये देखो भाई इसके फ्रंट ग्रिल जो है मतलब जो चीज इसमें चेंज हुई है ना उस बात की जो है मतलब लाइक कंपनी वाला पैसा ले रहा है भाई जो कि है ये ग्रिल। और देख सकते हो नई वाली ग्रिल भाई यहाँ पे आ चुकी है अपनी गाड़ी के अंदर। तो फटाफट से अंदर बैठते हैं। तो गाइस अपन लोग बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर और अभी जो है भाई मैं अंदर से इंटीरियर दिखाता हूँ। तो गाइस ये है भाई गाड़ी का कुछ अंदर का इंटीरियर जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है भाई, एकदम क्रीम कलर का भाई जो है यहाँ पे कलर है अंदर का, और ऊपर वाला जो है थोड़ा व्हाइट है। एंड देख सकते हो गाइस ये है भाई अपना हैंडल, एंड भाई मस्त लग रही है गाइस अपनी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक। तो गाइस अभी जो है हम इस गड्डी को लेके चल रहे हैं और हॉर्न वॉर्न भी बजा देते हैं, एंड इंडिकेटर वगैरह सब काम कर रहे हैं ना भाई। हाँ गाइस देख सकते हो सारे के सारे इंडिकेटर एकदम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं चारों के चारों, और हेडलाइट भी जो है एकदम मस्त यहाँ पे काम कर रही है। गाइस अभी जो है भाई अब अपनी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक को लेके चल रहे हैं गाइस कहाँ पे भाई, ऑफ रोडिंग के लिए ऑब्वियसली बात है लेके जाने वाले हैं, क्योंकि गाइस भाई मैं खास करके जो SUV गाड़ियां हैं वो परचेज इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को ऑफ रोडिंग करना इन गाड़ियों से बहुत ही ज्यादा पसंद है। और गाइस अब स्कॉर्पियो S11 क्लासिक की जो है यहाँ पे टॉप स्पीड भी चेक करने वाले हैं। गाइस ये वाली गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो यहाँ पे कितनी होने वाली है, तो गाइस देखते हैं। एंड गाड़ी तीसरे गियर में देख रहे हो भाई क्या मस्त भाग रही है गाइस। ओहो एड हट जाओ भाई, तुम्हारा भाई देख रहे हो एकदम नई नवेली गाड़ी लेके आया है फुल चौड़ में। ओके गाइस स्पीड तो अच्छी खासी है भाई, 200 तक तो बड़े आराम से चली जाएगी भाई अपनी स्कॉर्पियो मतलब क्लासिक S11 गाइस। ओ भाई साहब, अरे 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 ठुकना नहीं भाई, भाई नई नई गाड़ी लेके आओ यार, थोड़ा दिल में धक धक होने लगी थी भाई मेरे को, तो लगा था अभी जस्ट गाड़ी भेड़ी बस, मतलब ऐसा एकदम लगा ही था मेरे को कि अब तो ठुकनी ही ठुकनी है। एंड चलो गाइस अभी जो है हम गाड़ी को लेके चलने वाले हैं भाई माउंट चिलियाट की चोटी के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे भाई वहाँ से जो शहर है ना उसको देखने का मतलब मंजर ही कुछ अलग होता है भाई, मजा आता है गाइस हम वहाँ जाते हैं। हाय 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 भाई साहब तुम जिंदा तो हो रहा है सालो, नई गाड़ी देखी नहीं की मतलब गाड़ी के नीचे ही आ जाओ। हाँ चलो गाइस अभी स्कॉर्पियो को लेके चलते हैं भाई, क्या मस्त लग रही है गाइस। गाइस कमेंट में बताना कैसी लगी, और क्या आप लोग स्कॉर्पियो S11 क्लासिक लवर हो मतलब स्कॉर्पियो लवर हो तो जाके वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो गाइस। एंड ये देखो भाई जिमनी जा रही है भाई अपनी, चलो भाई अभी हम लेके चलने वाले हैं भाई अपनी गाड़ी को ऑफ रोड के लिए। भाई मस्त लग रही है ना गाइस, अच्छी लग रही है यार, काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा फील हो रहा है क्योंकि बहुत टाइम बाद जो है ये गाड़ी हमने परचेज करी है। मेरा काफ़ी टाइम से मन था इस गाड़ी को ख़रीदने का, बट अब जाके जो है अपन ने फाइनली स्कॉर्पियो S11 क्लासिक ले लिया है। तो गाइस अपने पास में स्कॉर्पियो के जितने भी गाड़ियों का कलेक्शन था भाई वो अब सारा का सारा हो चुका है, मतलब अपने पास में देखो S10 भी है, 11 भी है नॉर्मल वाली ठीक है, और स्कॉर्पियो N भी है, और पुरानी वाली स्कॉर्पियो भी है भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड मॉडल थी वो भी स्कॉर्पियो है, एंड फाइनली क्लासिक भी बच रही थी तो चलो ये भी आ चुकी है। और अगर फ्यूचर में महिंद्रा अगर कोई और नई स्कॉर्पियो बना देता है तो अपन वो भी परचेस कर लेंगे गाइस, एंड लेके चलते हैं गाइस इसको ऑफ रोडिंग के लिए। भाई मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड चलो गाइस भाई ऑफ रोडिंग देखते हैं गाड़ी कैसी करेगी यार। मेरे हिसाब से तो लाइक बढ़िया ही करनी चाहिए, एकदम होता है ना लाइक
बंदा ऑफ रोड करे तो उसको कतई कतई मजा ही आ जाए। और आज ना अपन थोड़ा सा डिफरेंट वाले रास्ते से जो है इसको चढ़ाएंगे, क्योंकि अपन नॉर्मल वाले रोड से ना स्कॉर्प मतलब लाइक कोई भी गाड़ी को ऑफ रोडिंग करते हैं नॉर्मल रोड पर करते तो वहाँ पर नहीं जाएंगे। आज अपन ने थोड़ा डिफरेंट जगह से जो है इस गाड़ी को माउंट चिलियाड पर चढ़ाने वाले हैं। एंड वहाँ पे उस वाले रास्ते से मैंने बहुत ही कम गाड़ी को मतलब ऑफ रोडिंग करी है, तो देखते हैं गाइस भाई अपना एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। फिलहाल तो ओ भाई ओ नो ओ शेट गाइस अपनी गाड़ी में डेंट पड़ गया यार बहुत मोटा। अरे नहीं यार शेट गाइस ये क्या हो गया भाई। अरे यार नई गाड़ी के 70 भाई अभी मोटा खर्चा होने वाला है गाइस। भाई ये क्या हो गया यार दोस्तों, भाई गड्ढा हो गया भाई अपनी पीछे वाले बम्पर में यार। अरे यार किसकी बुरी नज़र लगी है गाइस अपनी गाड़ी पे। हाँ भाई क्या तुम लोगों ने तो नज़र नहीं मार दी भाई अपनी स्कॉर्पियो में यार। अरे शेट यार गाइस भाई ये तो गड़बड़ हो गया यार। कोई नहीं चलो भाई अपना बैनी भाई अपना जिंदाबाद है उससे बोलेंगे भैया जरा जुगाड़ तिगाड़ लगा दो यार, क्योंकि अभी नहीं लिया। हालांकि अपन इसका इंश्योरेंस भी क्लेम कर लेंगे ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई गाड़ी भाई देख रहे हो तुम्हारे भाई ने इतनी महंगी खरीदी है और अभी नई नहीं ली है तो इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। हालांकि उसमें ना थोड़ा बहुत टाइम लगता है मतलब। एंड ये देखो भाई अपनी जेसीबी जा रही है भाई साहब। गाइस ये देखो भाई अपनी जेसीबी जा रही है मस्त, पता नहीं कहीं तो खुदाई करने जा रही होगी पक्का। फिलहाल अभी हम इतने खाली नहीं है कि यार जेसीबी की लाइक खुदाई देके खड़े हो गए तो हमें भाई अपनी गाड़ी की ऑफ रोडिंग करने भी जाना है यार। ऑफ रोडिंग तो अपन कर ही रहे हैं गाइस, ऑफ रोडिंग करने के जाना है बस। अभी जो है हमें माउंट चिलियाड पे उसको चढ़ाना है ठीक है गाइस। एंड ये शायद से वो रास्ता होने वाला है। हाँ ओए 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 बच गई भाई अभी आ रहा है कि कौन से नशे में गाड़ी चला रहा हूँ भाई, बच गई अभी भिड़ जाती यार पोल में। एंड चलो गाइस अभी यहाँ से हम चढ़ाने वाले हैं अपने माउंट चिलियाड पे। और शायद से यार ये वाला रास्ता नहीं है, वो दूसरा रास्ता है भाई, क्योंकि यहाँ से तो मेरे को लग रहा है बहुत डिफिकल्ट। अच्छा हाँ वो उधर से है, ओके माई बैड मुझे लगा था ये वाला रास्ता है पर ये नहीं है, वो दूसरा रास्ता है। एंड गाइस अपनी स्कॉर्पियो देख रहे हो भाई ब्लैक से पूरी कैसी हो गई है, सारी मतलब धूल मिट्टी जो है वह अपनी गाड़ी में ही लग गई है भाई। कोई नहीं अभी इस वैसे भी ये गाड़ी जो है सर्विस सेंटर जाने वाली है बहुत जल्दी मतलब ये ऑफ रोड के बाद। एंड देन उसके बाद जो है वॉश अपने आप होके आ ही जाएगी मस्त। एंड चलो भाई पहुँचने वाले हैं अपन एंड देखते हैं गाइस अपनी स्कॉर्पियो जो है। एंड ये देखो भाई अबे व्हाट हे भगवान ये मैं क्या देख रहा हूँ गाइस, भाई ये देखो भाई जेसीबी से खेत की खुदाई हो रही है भाई, ये क्या चल रहा है अबे हेलो भाई जेसीबी ये काम कब से करने लगी, मतलब लाइक समझता हूँ कि जेसीबी भाई मिट्टी खोदती है पर खेत कब से जोतने लगी है मेरे को नहीं पता भाई। एंड हाँ गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि अगर आप लोगों को भी जो है यार फार्मिंग देखनी है ना तो तुम्हारा भाई अनमोल गेम एक्स 2.0 वाले चैनल पे फार्मिंग सिमुलेटर खेल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गेम है। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से जाके जो है सब्सक्राइब करो उस वाले चैनल को ठीक है। एंड वीडियो वगैरह अच्छी लगे वहाँ पे तो लाइक भी करना। एंड चलो गाइस अभी जो है हम भाई चढ़ाने वाले हैं माउंट चिलियाड के ऊपर एंड देखते हैं भाई सब अपनी स्कॉर्पियो S11 कैसा परफॉर्म कर रही है। वैसे तो गाड़ी की पावर ऊपर देख ही सकते हो यार, तगड़ी है भाई। मतलब S11 जब चढ़ती है तो क्लासिक तो क्यों नहीं चढ़ेगी यार, बताओ नई गाड़ी है नई टेक्नोलॉजी की कार है तो चढ़ ही जाएगी यहाँ पे। एंड ये देख सकते हो गाइस मस्त चढ़ रही है ना भाई एकदम बढ़िया। एंड पत्थर आ गया बहुत बड़ा, क्योंकि कोई नहीं आराम से चढ़ा देंगे अपन। चढ़ जा भाई चढ़ जा और चढ़ गई और ग्राउंड किट्स कम पड़ गया थोड़ा सा। ओ शिट गाइस ग्राउंड किट हल्का सा कम पड़ रहा है, टेंशन मत लो चढ़ जाएगी यार। ओ भाई अरे रे गाइस थोड़ा सा गड़बड़ सीन हो रहा है भाई S11 अपनी चढ़ नहीं रही है यार। चढ़ जा क्या अभी चढ़ेगी ना भाई, थोड़ा स्पीड चाहिए था ना यार, अपन ने काफ़ी स्लो चढ़ाई थी ना तो इसीलिए गाड़ी बीच में लटक गई थी, पर कोई नहीं जैसे तैसे अपन ने जो है उसको चढ़ा दिया है। एंड चलो गाइस अभी तो भाई बहुत लंबा रास्ता बाकी है यार, अभी तो जस्ट लाइक शुरुआत ही हुई है अपनी, तो एकदम जल्दी जल्दी चलते हैं। वैसे ज़्यादा जल्दी भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से अगर अपनी गाड़ी गलती से भी नीचे गिरी तो भाई खेल खत्म है। अभी तो इंश्योरेंस वाले क्लेम मतलब दे भी तब मतलब रिपेयर तब भी करके दे देंगे, बाद में तो वो कहेंगे भैया ये गाड़ी तो ख़त्म है आप एक काम करो अपना जो 2-4 रुपये बचा है ना मतलब स्क्रैप में जो भी स्क्रैप में पैसा मिलेगा वही लेके मतलब वापस कर देंगे, मतलब समझ रहे हो ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई, तो वो सीन जो है अपने साथ ना हो इसीलिए। चलो भाई मस्त गाड़ी तो भाई 100 की स्पीड से चढ़ रही है यार, ये देख रहे हो
भाई चढ़ाई पे भी अपनी गाड़ी के मस्त चढ़ती जा रही है यार, भाई तगड़ी चढ़ रही है ना। अरे हे, आराम से आराम से आराम से भाई, एसयूवी चलाने का अपना यही तो मज़ा है गाइस, ऑफ रोडिंग करने में अपना अलग ही मज़ा आता है। ओ भाई लैग हो रहा है क्या? क्योंकि शायद मेरे को लगा गेम लैग हुआ था, आई थिंक मेरे को ऐसा फील हुआ। ओके ओके, चल चल कम ऑन, बढ़िया जा रही है भाई, मस्त मस्त एकदम जबरदस्त। ये ऑलराइट चढ़ जा। अबे इतना इतना इतनी खड़ी खड़ी चढ़ाई चढ़ गई है, तो ये चढ़ाई भी क्या ही है, इसके लिए मस्त चढ़ रही है गाइस अपनी H11 यहाँ पे एकदम बढ़िया जबरदस्त। ओ आराम से आराम से। ओके भाई, अभी काफ़ी लंबा रास्ता बाकी है, पर हम ऑलमोस्ट जो है पहुँचने वाले हैं गाइस माउंट चिलियार्ड के टॉप पे। चलो भाई साहब है अंदर से ड्राइव करने में, देखते हैं कैसा फील आ रहा है। ओ भाई भाई अंदर से तो कोई अलग ही फील आ रहा है। अरे भाई साहब, भाई सही में अंदर से बैठ के ड्राइव करने में फट रही है यार, मजाक से हट गया गाइस। बहुत बहुत ज़्यादा लाइक ड्राइविंग करते टाइम अजीब फील हो रहा है मेरे को तो। एंड चलो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं माउंट चिलियार्ड के टॉप पे आई थिंक से। जी हाँ गाइस, आ गए भाई। ज़्यादा कुछ मुश्किलें तो अपने को हुआ नहीं, लाइक ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं अपन को चढ़ाने में। एंड अभी तो और ऊपर लेके जाएंगे ना यार, एंड यहाँ पे स्टेयर पे चढ़ाते हैं। ओके, स्टेयर पे भी गाड़ी चढ़ रही है, और अपनी गाड़ी जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा जो है गंदी हो गई है भाई साहब यहाँ पे। एंड सीढ़ियों पे चढ़ा दें, क्या बोलते हो? चढ़ जा। ओके चढ़ जाएगी यार, अरे पावर तो है भाई, पावर तो है गाड़ी के अंदर। चढ़ चढ़। ओ शिट गाइस, भाई अपनी S11 अटक गई यार, नो गड़बड़ हो चुकी है। ओके निकल 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 जा, कम ऑन कम ऑन यार। ओ फंस गई है क्या? ओके ओके निकल गई यार। अरे निकलेगी कैसे? नहीं निकले भाई, S11 है, और S11 ना निकले ऐसा हो सकता है? एंड इन भाई साहब को धक्का दे दूँ दोनों को, क्या बोलते हो गाइस? मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है भाई, तुम्हारी भैंस की फ़ोटो ले रहे हो सालों से, ये सेल्फी पॉइंट लगा रहे तुम। ओ भाई गए, ओ माई गॉड गाइस, अपन ने यहाँ पर कांड कर दिया, ये अच्छा है हमें किसी ने देखा नहीं। एंड गाइस देख सकते हो यार, अपनी जो S11 क्लासिक है वो भाई बहुत ही मस्त लग रही है, और मेरा काफ़ी टाइम से मन था इस गाड़ी को ख़रीदने का, और फाइनली जो है हमने इस गाड़ी को परचेज कर लिया है। एंड बाकी यार गाइस, आज की जो वीडियो है वो यहीं पे एंड करते हैं। एंड गाइस, आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि अपनी गाड़ी तुम लोगों को कैसी लगी। बाकी यार मेरे को ना इसको थोड़ा रिपेयर वपेयर भी कराना पड़ेगा, लाइक लेके जाना पड़ेगा शोरूम पे, देखते हैं भाई क्या क्या बवाल होने वाला है, लाइक क्योंकि बहुत ही माता बच्ची करनी पड़ती है वहाँ पे जाके, तो कोई नहीं मैं करा लूँगा। एंड बाकी अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो गाइस, तो जाके जल्दी से लाइक कर दो, एंड चैनल में आए तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।